YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी, कैसी चल रही है आप लोगों की करवा चौथ की तैयारी? कल है करवा चौथ और मैं भी अभी तैयारी करूँगी, थोड़ी सी कर चुकी हूँ, थोड़ी सी रहती है। तो बस अभी घर का सारा काम हो चुका है और मैं जा रही हूँ अब मार्केट। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ मार्केट और क्या वेयर करूँगी करवा चौथ पे। तो आप लोग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम आ चुके हैं मार्केट में और यहाँ पर काफ़ी रौनक सी लगी हुई है। आप देख सकते हैं इधर मेहंदी लगा रहे हैं और मेहंदी लगाने के लिए भी सुबह सुबह इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है। तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ शॉप पे, तो जहाँ से मुझे लेनी है करवा चौथ की थाली। तो यहाँ पर बहुत तरह की थालियाँ रखी हुई हैं और सारी ही अच्छी लग रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और हम आ चुके हैं मेहंदी लगवाने, मेहंदी लगवाएंगे। अभी 10:30 बजे हैं सुबह के और अभी जो है ना लेडीज़ आ चुकी हैं मार्केट में मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि फिर बाद में ना क्राउड बढ़ता ही चला जाता है। तो बस मेरी यहाँ पर मेहंदी लग चुकी है, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत रहती है। तो फ्रेंड्स मेहंदी लगा ली है मैंने, देखो कैसी लगी है मेहंदी। भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, बिल्कुल भी मतलब जगह नहीं है कि मेहंदी कहाँ लगवाएं। तो मुझे यहाँ पर मिल गया तो मैंने यहाँ मेहंदी लगवाई है, बहुत अच्छी तरह से मेहंदी लगवा ली है। मेरी भी लगवा रही हूँ, मेहंदी लग चुकी है। वाले जो रोड हैं सारे फुल हो जाते हैं मार्केट के बस, लेकिन मेरी जैसे तैसे मेहंदी लग गई है और सूख गई है थोड़ी बहुत के लिए, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन सुंदर लगा मुझे। अभी है ना मैं सुबह जल्दी आ गई थी 10 बजे, अगर लेट आते ना तो मुझे बहुत मुश्किल था यहाँ मेहंदी लगना। मेहंदी सूखने का वेट कर रही हूँ मैं कि बस जल्दी से सूख गए, थोड़ी सी यहाँ से है ना जो ये है बस गीली रह गई है, बाकी तो सूख गई है सारी। और क्योंकि मुझे चलानी है स्कूटी, तो स्कूटी चला के जाना है घर, तो बस इसीलिए मैं सूखने का वेट कर रही हूँ मेहंदी की। जल्दी से सूख जाए दीदी, क्योंकि पीछे बैठना दीदी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से सूख जाएगी मेहंदी, बस मेरी सूख जाए। देखिए आप देख सकते हो पूरी जो है वो लाइन बनी हुई है मेहंदी लगवाने वाले। भाई मैं अब चलाने लगी हूँ स्कूटर, क्योंकि मेरी मेहंदी सूख गई, काफ़ी देर से मैं खड़ी थी कि मेहंदी सूख जाए, तो बस मेहंदी सूखने का वेट कर रही थी। और इधर की जो है इधर भी मेहंदी लग रही है यार, कहीं भी आज खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादातर भीड़ है, इधर भी काफ़ी लोग जो है मेहंदी लगवा रहे हैं ज़्यादातर। और थोड़ी सी देर ना मतलब ये लगा लो आधे सेकंड भीड़ कम होती है, उसके बाद फिर से हो जाता है। अब मुझे फोटो बताना पड़ेगा, ये भैया आ गए ऑटो वाले, गए हैं भैया की शॉप पे। और मेरा ब्लाउज बना दिया ना आपने? हाँ जी दीदी, बन गया। यही तो है, हाँ देखो देखो मैं अपना ब्लाउज दिखाती हूँ। अच्छा पूरी रात में मतलब ये ब्लाउज है मेरा, ब्लाउज बनवाया है मैंने, देखो कैसा लग रहा है। ये हाफ में है, इस तरह स्लीव्स भी ग्रीन है और ये वाला पार्ट जो है ये ग्रीन बनवाया मैंने और अंदर से रेड कलर का है। पूरी रात तो नहीं लगी होगी, इतना टाइम नहीं, 3 घंटा तो लगा। अच्छा, और ये साड़ी के साथ मैंने बनवाया, इसमें थोड़ा सा ना ग्रीन वर्क है, तो बस इसी के लिए मैंने ये वाला ब्लाउज बनवाया है। ये मैं कल पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे, तो देखते हैं पहनने के बाद ये कैसा लगेगा वो बाद में देखेंगे। हाँ नहीं, ब्लाउज तो अच्छा लग रहा है देखने, बट अब पहनने के बाद देखेंगे कैसा लुक आएगा इसका। चलो देखते हैं, लेट्स सी। और ये देखो मैंने सूट कितने दिन से भैया को दिया हुआ है, 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक ऑल्ट्रेशन नहीं की भैया, अब कर रहे हैं, मुझे यहाँ बैठ के करना पड़ा क्योंकि भैया बिजी ज्यादा है, सुबह 4 बजे तक काम करते हैं इसलिए। और अब मैं यहीं बैठ के करवा के ही जाऊंगी घर पे। हमारी आंटी आज चाय के लिए पूछ रही थी, तेरी चाय पिला दूं कुत्ता? चाय नहीं, खाना खिलाओ मुझे, चाय तो मैं फिर भी पी लूंगा, खाना जरूरी है। तो चलो मैं रख लेती हूँ ये वाला ब्लाउज अपने पास, ठीक है। इन सब बज गए दोपहर के 3:30 और अब मुझे जाना है बच्चों को क्लास में लेकर। मैं भी घर पहुंची हूं और जस्ट फिर सामान रखा है और उसके बाद मैं जो बैठ चुकी हूं गाड़ी में, बच्चे आ रहे हैं अभी क्योंकि बच्चे लेट आते हैं स्कूल से, तो बस फिर अब उनको क्लास लेकर जाना है, उसके बाद देखते हैं। और ब्लॉग का मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। फ्रेंड्स हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस।